नमस्कार, वेब दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। हिंदू ज्यादा बच्चे पैदा करें, विहिप नेता चंपत राय ने कहा। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव चंपत राय ने हाल ही में धार्मिक आधार पर प्रकाशित जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर विवादित टिप्पणी की है। चंपत ने कहा कि हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए, नहीं तो देश पर मुस्लिमों का कब्जा हो जाएगा। चंपत राय का बयान उफ रिपोर्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया है कि भारत 2050 तक इंडोनेशिया को पीछे छोड़ पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुसलमान आबादी वाला देश बन जाएगा। चंपत ने कहा कि अगर हिंदू एक बच्चे से खुश हैं तो 2050 में उसका परिणाम भुगतना होगा। प्रशांत भूषण ने केजरीवाल को लिखा खुला पत्र। योगेंद्र यादव और खुद को आम आदमी पार्टी की फैसला लेने वाली शीर्ष इकाई से हटाए जाने के बाद बागी नेता प्रशांत भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने लाखों समर्थकों का भरोसा तोड़ा है। एक खुले पत्र में भूषण ने कहा है कि पार्टी के साथ केजरीवाल जो कर रहे हैं भगवान और इतिहास नहीं भूलेगा। उन्होंने कहा कि अपार बहुमत के साथ दिल्ली चुनाव में जीत के बाद जब तकदीर आपके साथ है तो आपको इस देश के लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ गुण दिखाना चाहिए, मगर दुर्भाग्य है कि अब तक आपके अवगुण ही सामने आए हैं। उल्लेखनीय है कि भूषण और यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 28 मार्च को आपकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से निकाल दिया गया था। कच्चा तेल होगा सस्ता, फिर घट सकते हैं पेट्रोल के दाम। परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिमी देशों और ईरान के बीच चल रही तनातनी अब जल्द ही समाप्त हो सकती है। दुनिया की 6 महाशक्तियों ने ईरान से बातचीत का रास्ता निकाला है, जिसका सकारात्मक नतीजा भी निकला है। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए राजी हो गया है। यह बातचीत 30 जून तक संधि की शक्ल ले सकती है। इससे ईरान को अपना कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खुले तौर पर निर्यात करने की इजाजत मिलेगी। इससे तेल की कीमतों में गिरावट का एक और दौर शुरू हो सकता है। कुछ विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमत मौजूदा दर से आधी कीमत तक गिर सकती है। फर्जी आईएएस अधिकारी रूबी चौधरी की कॉल डिटेल से खुलेंगे कई राज। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री अकादमी में फर्जी आईएएस महिला के ठहरने के मामले में विवाद गहराता ही जा रहा है। इस मामले की जांच एसआईटी कर रही है। वहीं रूबी इस बात पर अड़ी है कि एलबीएस अकादमी के डिप्टी डायरेक्टर सौरभ जैन के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाए। गुरुवार रात रूबी चौधरी के बयान दर्ज किए थे, जबकि शुक्रवार सुबह एसआईटी की टीम अकादमी पहुंची और कई अधिकारियों और कर्मचारियों से पूछताछ की। एसआईटी ने अकादमी में सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरों के साथ ही कई अहम तथ्य भी जुटाए हैं। मिस्र की सेना ने 40 आतंकवादियों को मार गिराया। मिस्र के अशांत उत्तर सिनाई क्षेत्र में सेना के जमीनी और हवाई हमलों में कम से कम 40 आतंकवादी मारे गए हैं। इससे एक दिन पहले इस्लामी आतंकवादियों ने अलग अलग हमलों में 15 सैनिकों और 2 नागरिकों को मार दिया था, जिसके बाद यह अभियान शुरू किया गया। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।